welcome back to my channel. Hope you all are doing good today. I want to share with you a makeup review video, that is makeup product review video, that is Bobbi Brown long wear gel eyeliner review. Guys, if you are interested in investing in a very good brand, in a very good high-end brand for your kajal, so definitely this video is for you guys. Thanks for stopping by and yeah, let's get started. तो सबसे पहले आप देख लो इसकी पैकेजिंग. विल टॉक अबाउट द पैकेजिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस इज अ आउटर बॉक्स. एंड गाइज, इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द ब्रांड बॉबी ब्राउन, देन वेयर आर यू लिविंग. कहाँ पर हो आप? आई डोंट नो, बिकॉज बॉबी ब्राउन यूज करने की ख्वाहिश हर लड़की के अंदर होती है. एंड डेफिनेटली दिस इज माई फर्स्ट परचेज फ्रॉम बॉबी ब्राउन. And future में मैं और भी products purchase करूँगी. I'll use them and I will share with you my honest review. For those videos you have to stay tuned with me and do subscribe to my channel. Also that bell icon to get all the notifications. And video पसंद आए तो do like, comments and share. So guys, आपको सामने सब कुछ मिल जाती है. आपको मिलती है 3 grams of product. You are getting 3 grams of product. And the shade name is my one is Black Ink number 1. And in the sticker you will get all the details again. And the MRP is 1450 rupees. There is no discount on Bobbi Brown. Okay. So आपको कोई भी discount नहीं मिलने वाली है. And पीछे आपको सब कुछ मिल जाती है. और भी ज़्यादा details आपको मिल जाती है. Imported product है because this is Bobbi Brown and this is made in Belgium. यहाँ पर लिखा हुआ है. Yeah. एंड द एक्चुअल प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ. सो गाइज, द एक्चुअल प्रोडक्ट लुक्स लाइक दिस. दिस इज सो क्लासी एंड दिस इज सो हाई एंड. आपको देखते ही पता चल जाता है कितने ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट है. एंड 1450 रुपीज इज नॉट अ बिग डील गाइज, बिकॉज आपको 3 ग्राम के प्रोडक्ट मिलते हैं. एंड काजल है तो इतना तो बनता है गाइज. एंड बिकॉज इट्स बॉबी ब्राउन, जरूर आपको इतने पैसे लगेंगे ही. बट लुक एट दिस पैकेजिंग, ये ग्लास की है. सो मेक श्योर आप हाथ से ना गिराए इसको, सो दैट इट मे क्रैक. ओके, अगर आपने हाथ से इसको गिरा दिया तो ये टूट सकता है. सो या पीछे आपको अगेन शेड नेम एंड एवरीथिंग मिल जाती है. एंड इट ओपन्स लाइक दिस. सो गाइज, यू कैन सी के मैंने इस साइड में यूज किया है. एंड It's so soft guys, the texture is really amazing. It's just like mousse, it's just like butter. It will glide out on your eyelid so softly. And aap waterline pe bhi apply kar sakte hai, lash line pe to zarur apply kar sakte hai. Kajal hai to aapko apply karna hi hoga. And waterline pe aap jab apply karenge aapko koi bhi irritation bilkul nahi hone wali hai, because this is dermatologically tested and ophthalmologically tested. So मेक श्योर आप यू नो एक अच्छे से क्वालिटी के आई ब्रश, आईलाइनर ब्रश यूज करें. बॉबी ब्राउन के ही एक आईलाइनर ब्रश अलग से आपको परचेस करनी होगी. बट आई डोंट हैव दैट. मेरे पास एक यू नो आईलाइनर ब्रश है दूसरे ब्रांड की. सो इसी को मैं यूज करती हूँ. एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे मिल जाती है. एक अच्छा सा लुक मिल जाती है, बोल्ड आई लुक. जैसे कि करीना कपूर खान की स्पेशलिटी होती है उनकी आईज, बोल्ड आईज. सो आप लोग अगर वैसे आईज की तलाश में है, वैसे लुक की ख्वाहिश है रखते हैं, सो डेफिनेटली आप जेल आईलाइनर से वैसा लुक क्रिएट कर सकते हैं. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने के बावजूद भी ये कहीं पर भी जाने वाला नहीं है. आप जब भी इसको अप्लाई करोगे आपकी आईज पर, ये हिलने वाली नहीं है. एंड दे आर वाटरप्रूफ. आप जितना भी रोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. बट थोड़ी सी इसको टाइम देना होता है कि ये सेट हो जाए. या आप कोई भी ब्रांड के काजल वगैरह यूज़ कर ले, आपको थोड़ी सी टाइम ज़रूर देना है कि वो सेट हो जाए आपके आँखों पर. देन इट विल जस्ट स्टे इन प्लेस फॉर द लॉन्ग टाइम. एंड आपको ये डबल कोटिंग करना होगा. थोड़ी सी कोटिंग करने के बाद आपको एक ओपेक, एक अच्छा सा पिगमेंटेशन ज़रूर दिखेगी. एंड दिस इज़ रियली सॉफ्ट. आपको ब्रश को ऐसे पकड़ के दोनों तरफ अच्छे से प्रोडक्ट को अप्लाई करना है. एंड सॉरी इफ़ द वीडियो इज़ शेकी.
and then you have to apply it like this. So guys, it's so soft and आप इसको थोड़े से हल्के से स्मज भी कर सकते हो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है. एंड जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा अप्लाई करना होता है क्योंकि ये सूख जाएगी. ठीक है, सी यू कैन क्रिएट अ कैट आई लुक, यू कैन क्रिएट यू नो विंग आई लाइनर लुक, यू कैन क्रिएट अ नॉर्मल आई लाइनर लुक. आपको जैसी पसंद है आप वैसे ही क्रिएट कर सकते हो. एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लगाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी हैवीनेस फील नहीं होगी आपको. एंड या कलर काफ़ी हद तक अच्छी है इसकी. डियर, ये जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स तक आपके आईज पर एज इट इज़ रहती है. एंड दिस इज़ अ प्रूफ, दिस इज़ अ अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट. एंड दिस इज़ अ वाटर प्रूफ प्रोडक्ट, दिस इज़ स्वेट प्रूफ, दिस इज़ ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंट वेयर. सो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर इसको अप्लाई कर लें एंड यू विल जस्ट लेट योर आईज फ्री, दैट्स इट. सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्मज नहीं होती है, आप अप्लाई करने के बाद स्मज कर सकते हो, इसके बाद वो बिल्कुल भी कहीं भी हटने वाली नहीं है. एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको हटा भी नहीं पाओगे. जब भी आप मेकअप रिमूवर यूज़ करेंगे या फिर आप मेकअप रिमूविंग ऑयल यूज़ करेंगे वो अच्छे से ईजिली हट भी जाती है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड ये फेड आउट भी नहीं होती है, स्मज प्रूफ तो है नहीं बिल्कुल. एंड आप देख सकते हो विद इन फ्यू सेकेंड्स अच्छे से ये सूख गई है. एंड आप देख सकते हो. सो या गाइज, दैट वॉज फॉर टुडे. आपको इसको कैसे यूज़ करना है, आपको ज़रूर एक ब्रश खरीदना है अगर आपके पास ऑलरेडी ब्रश है जैसे कि मेरे पास है. सो आप वो वाले ब्रश के साथ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर आप अच्छे से ब्रश को डिप कर ले प्रोडक्ट में. एंड एक्सेस जो प्रोडक्ट है वो आप टिश्यू में थोड़ी सी वाइप करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं. सो दैट इज़ For today, friends, I hope you enjoyed this video. See you soon, guys, on my next video. If you are interested to buy this product, you can buy it from Sephora store and you can buy it from Estée Lauder store. कहीं पर भी आप हो, मेट्रोज में हो या फिर आप इंडिया से बाहर हो, definitely you can buy it from there. And इंडिया में है आप, like metropolitan में नहीं है, कहीं पर भी you know available नहीं है, so you can buy it from Nykaa.com. In that case, मैं definitely description box में डाल देती हूँ link. If you are interested, you can buy it from there. So yeah, see you soon guys on my next video. Till then, stay fit, stay nice, have a nice day and bye-bye.